In the continuation of Rajya Sabha, here we talk about presiding officer. The Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. लोक सभा के जो स्पीकर थे वो एक्स ऑफिशियो थे ऑफ द लोकसभा. राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ द स्टेट मींस हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा. अब हम पावर्स एंड फंक्शन देखेंगे राज्यसभा की पावर्स क्या होती हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स मीन्स ऑल बिल्स अदर देन द मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट इन राज्यसभा. जो मनी बिल है वो उसके अलावा जितने भी बिल पास होते हैं वो राज्यसभा से ही पास होके आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं. फाइनेंशियल पावर. फाइनेंशियल पावर राज्यसभा के पास कितनी है, राज्यसभा मनी बिल नहीं बनाती है. मनी बिल कौन बनाती है, लोकसभा. ऑलवेज रिमेंबर इट, मनी बिल ऑलवेज प्रिपेयर बाय लोकसभा नॉट बाय द राज्यसभा. राज्यसभा मनी बिल के अलावा जितने भी बिल हैं वो आगे बढ़ाती हैं, डिस्कस करती हैं और उसे फॉरवर्ड करती हैं. मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोकसभा. आफ्टर ए मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द लोकसभा इट सेंट बाय द राज्यसभा फॉर इट रिकमेंडेशन. यानी कि लोकसभा मनी बिल बनाती है और फिर उसको आगे राज्यसभा में डिस्कस के लिए फॉरवर्ड करती है. वहाँ आने के बाद राज्य मेंबर ऑफ राज्यसभा उसके लिए डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद उस पर रिकमेंड करते हैं, यानी कि अपने अनुदेश देते हैं. उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाते हैं सिग्नेचर अथॉरिटी के बाद. फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. सो यू जस्ट रिमेंबर इट, मनी बिल राज्यसभा नहीं बनाती है. नेक्स्ट है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. A bill to amend the constitution may originate in either house. A bill amending the constitution should be passed by each house or parliament separately. जो amending यानी क्या होता है बच्चों, amending यानी होता है बदलाव करना. जैसे आपने पहले financial power, legislative power पढ़ी थी, bills के लिए पढ़ा था, तो अगर उनमें कुछ बदलाव करना होता है तो जब बिल राज्यसभा या लोकसभा से निकलने के बाद 14 डेज, यानी कि राज्यसभा उसके लिए 14 डेज तक अपने पास रख सकती है, डिस्कस कर सकती है, और उसके बाद उसे आगे वापस देना ही होता है. तो इसमें 14 डेज अलोंग विद द रिकमेंडेशन, राज्यसभा हैज़ एन एडवाइज़र रोल. सिर्फ वो सलाहकार का काम करती है और फिर वो बिल वापस वहीं चला जाता है जहाँ से आया होता है. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेपरेटली. पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उस बिल का निकलना जरूरी होता है. अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाता है तो लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा, उसके बाद बिल जाता है राज्यसभा. अगर उसे पास करना होता है तो डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट के पास जाता है. प्रेसिडेंट अगर उस पर कुछ अपने अनुदेश देते हैं तो उसे वापस रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज वो बिल पास हो जाता है. यानी आप स्टेप देखिए, लोकसभा, लोकसभा के बाद राज्यसभा. अगर उन्हें होल्ड करना होता है तो वो होल्ड करते हैं 14 डेज के लिए, डिस्कस करते हैं, और जो अमेंडमेंट करना होता है वो करने के बाद रिटर्न करते हैं लोकसभा को, और लोकसभा वापस उसे जो भी चेंज करना होता है चेंज करती है, नहीं करना होता है तो एज इट इज़ राज्यसभा को फॉरवर्ड कर देती है. राज्यसभा उसे प्रेसिडेंट के पास वाया वाइस प्रेसिडेंट
फॉरवर्ड करते हैं और वो बिल अप्रूव हो जाता है। लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता है, इसको पास करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज द राज्यसभा एज द हाउस रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। सम स्पेशल पावर विच आर नॉट गिवन इन लोकसभा। वन सच पावर इज दैट इट मे इन द नेशनल इंटरेस्ट डिक्लेयर अ रिजोल्यूशन दैट द पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विल रेस्पेक्ट टू अ मैटर ऑफ स्टेट। Another special power enjoyed by the Rajya Sabha is that it may declare that the creation of new All India services in national interest. The Parliament may be law create new All Indian services. देखिए राज्यसभा के पास लोकसभा से हटके कुछ अलग powers होती हैं, जिसमें central level तक के लिए जो public interest की powers हैं वो राज्यसभा के पास होती हैं। राज्यसभा उसमें किसी भी पावर को इनेक्ट कर सकती हैं, लागू कर सकती हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब निर्धारित करना, जो मीटिंग जैसे आपने स्पीकर ऑफ लोकसभा में पढ़ा था वो भी मीटिंग प्रिसाइड करते हैं, यानी निश्चित करते हैं कि मीटिंग कब होगी और मीटिंग को भी वो ही कॉल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो वो ही मीटिंग प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा पढ़ा, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी अगर उसमें कुछ बदलाव करना होता है तो वो, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा हमने यहाँ पे पढ़ी। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, यानी यूनियन पार्लियामेंट की क्या पावर्स होती हैं। द इंटेंशन ऑफ द फार्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू मेक द लोकसभा अ डोमिनेटिंग चैम्बर हाउस, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बट वी शुड नॉट फॉरगेट हाउस इज कम्प्लीटली बाय इट्स सेल्फ। बोथ हाउसेज टुगेदर आर कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, साइड बाई साइड लोकसभा राज्यसभा दोनों ही मिलके पार्लियामेंट को बनाती है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कंप्लीट किससे होती है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलके ही पार्लियामेंट कंप्लीट होती है, यानी कि वहाँ पे दोनों हाउस का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ी थी हमने, एक्सेप्ट मनी बिल राज्यसभा अदर बिल्स को फॉरवर्ड करती है और उस पर डिस्कस करती है। तो अब हम यूनियन पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं उनको देखेंगे। पार्लियामेंट इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट और कॉन्कन लिस्ट। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेटिव इवन और सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन एमरजेंसी व्हेन द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी दैट इज सब्जेक्ट इन द स्टेट। जैसे स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, एक होती है कॉन्कन लिस्ट। कॉन्कन लिस्ट क्या होती है, जिसमें यूनियन के पास पावर होती है, यानी वो मैटर जो कॉमन मैटर नहीं है सेंट्रल और स्टेट के लिए, वो पावर्स वो लिस्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के लिए उनके पास होती है और वो मैटर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही देखती है। जैसे आर्मी है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, अभी इनको धीरे धीरे इनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाता तब तक रेलवे यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन आर्मी है, आर्मी का कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता है, तो वो कॉमन मैटर नहीं है, इसी वजह से वो कॉमन लिस्ट में। इसी तरह से जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो मैटर कॉमन लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो ये हमने पढ़ी थी यूनियन पार्लियामेंट की, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की कुछ पावर्स।